दिवाकर सर, एक जबरदस्त मोमेंटम एक्शन देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर में। कैसे देख रहे हैं सर, और क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इस समय? जी मार्केट में जो मोमेंटम है वो काफी कंटिन्यू रहता हुआ दिख रहा है। जैसे पिछले बार भी हम जब जुड़े थे मैंने आपको बताया था कि अगर इन डिप्स को जो पिछले लोज थे उनको अगर 17,350 के अगर उनको सस्टेन करता है मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे तो हमें नया हाई बहुत जल्दी आने वाले टाइम में दिखेगा। तो वही व्यू कंटिन्यू है। अभी मार्केट जैसे आप देख रहे होंगे काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा व्यू बनता है निफ्टी में एक बार 18,000 तो देखने को मिलता है, लेकिन 18,000 सिर्फ एक लेवल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए। आने वाले 2 से 3 वीक के अंदर हो सकता है हमें जो पुराना हाई है 18,600 का उसको भी क्रॉस करते हुए। जी ठीक है, तो ये है, जल्दी ही हम शायद और फिर से रिकॉर्ड लेवल बनाना शुरू कर सकते हैं, कह रहे हैं देवकर जी। सर, बैंक निफ्टी पर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी उससे ज्यादा तेजी के साथ में चल रहा है, निफ्टी से ज्यादा तेजी के साथ में। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी मुझे लगता है बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में भी निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। और लाइफ टाइम हाई की जहां तक बात है बैंक निफ्टी पे जो था 41,800 के आसपास का है, तो निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी को वो क्रॉस करते हुए दिखता है। एक जो हर्डल चार्ट पे भी दिखता है फिलहाल एक छोटे से हर्डल रेंज है जो 40,850 से लेकर 41,000 के बीच में, इस रेंज को अगर एक बार बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी बहुत जल्दी अपने जो हाईज है 41,800 उनको क्रॉस करता है, 42,000 तक जाता हुआ दिखता है अगले 1 से 1.5 वीक में। बस एक छोटा सा हर्डल है जो जिसको नजर में रखना चाहिए जो है 40,850 से लेकर 41,000। ठीक है, ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, लेवल्स क्या क्या हैं, हर्डल्स कहाँ कहाँ पे हैं बताते चल रहे हैं दिवाकर सर। ठीक है।